हालत के लिए. So a lot of things that I've thought have been said, but one thing that I wanted to add is just that dance tends to, in the bigger picture, be very competitive, right? So people say, at least definitely in the U.S., you say dance and people say, you know, have a certain idea about it, that it's a very sort of competitive and sort of sometimes even nasty thing. And then, you know, the way we teach is always very inclusive. And one thing I noticed when we taught last time was that in St. Paul's, St. Mary's, Mahila Mandals, when we were teaching, the students and the teachers said, when's the competition? You know, when will we all compete against each other? And we said, no. It's not a competition. It's a, you know, we're sharing these cultures. So we were very nervous. Do you want to? Yeah. एक्चुअली मीरांडा बदल भी आई थी 2012 में, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 3 स्कूल में करवाए. तो हमने सोचा सिखाने के बाद हम लोगों में प्रतियोगिता करवा देंगे 3 स्कूल्स में और जो भी होगा. तो बच्चों ने पूछा कि और अच्छी तरह करें, थोड़ा ये रहता है ना कि प्रतियोगिता हो तो चलो और तैयारी करें अच्छी तरह, तो उस वे में. तो पर फिर लगा नहीं प्रतियोगिता नहीं, आप उसे मिलजुल कर हम करेंगे. जो मैं आपसे कह रही थी कार्यक्रम जो हुआ, तो फिर मिलजुल कर हुआ, इतना घुल मिल के किया कि स्तर का डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि महिला मंडल की छात्राएं हैं तो ये सेंट मेरीज की लड़कियां हैं या सेंट पॉल्स के लड़के कर रहे, बिल्कुल फर्क नजर नहीं आ रहा. कंपटीशन की बहुत अच्छी थी, मतलब मिल के पल थे. जबकि थोड़ी से हमारे स्कूल की लड़कियां डर रही थी, उनको प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता नहीं है. मतलब आप जनरल सोच सकते हैं, न्यूज मीडियम के बच्चे होंगे, थोड़ा सा कॉलर ऊंचा ही रहता है उन तुम्हारी मम्मी बाई है या तुम्हारी मम्मी ठेला लगाती है सब्जी वाली है, ये फर्क लाने ही नहीं था. ये बेस्ट चीज थी. In the end, you know, we were nervous that they wouldn't, you know, they weren't understanding. And then in the end, when everybody came together and the whole community came together for the celebration, it was great. And I really feel like the students, as I watched them watch the other, you know, each class come up, and they were clapping and cheering and everybody danced at the end together. So we were able to, in a small way, create that sense of community and that sense of appreciation of other cultures. So it was very. Same, I said it. Yeah. Did you say that? You, I said. Yeah. That's what I had a feeling. Yeah. वो ये competition की भावना नहीं होनी चाहिए, पर एक साथ So this year we will explore many rhythms of the world, and also the question of why do people dance? Why does dance even exist? And so looking at each of the dances, we will explore this question with all the groups. Very quick. महिलाओं ने बोला इतनी बड़ी होगी अब क्या करेंगे हम, पर फिर भी आ रही है. तो ये आज जो भी ग्रुप्स आएंगे उनको ये बताएंगी कि नृत्य करना क्यों जरूरी है, उसकी उसे क्या होंगे लाभ और क्यों किया जाना चाहिए, वो सब ये क्लासेस में हमें वो भी टीचिंग करेंगी. और केवल नृत्य नहीं करेंगी, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें और सीखेंगी. और एक बात मैं जोड़ना चाहती हूँ, सॉरी नहीं मीरांडा की एक बात बताना चाहती हूँ कि ये मात्र जब 4 वर्ष की थी तब से नृत्य, यू आर 4 ईयर्स ओल्ड मैंने स्टार्ट किया, सो आई एम एडिंग टू इट कि 4 वर्ष की थी तब से नृत्य कर रही है. 25 साल ईयर ओल्ड, तो 21 वर्ष से ये डांस करी, विभिन्न देशों में विश्व के किया. और आपकी जो वैन कैंसर बताया लीबिया, इनसे भी जुड़ी. I wanted to just add two things. One is that
this program is going to keep going for a long time. It's a program and a partnership that we believe very strongly in. You want to come back every year, I'll move here, that's fine. Please, मैं तो निरंतरता बनाए रखना चाहती हैं. ये मात्र एक वर्ष का है. No, no, I'm saying that you want to continue, ना? इनका कहना है मिनाला का, 2012 में पायलट की तरह शुरू किया, इस वर्ष आई हैं. तो आप सभी के सहयोग से इसमें निरंतरता बनाए रखना चाहती हैं, हर वर्ष आना चाहती हैं और इसको फैलाना चाहती हैं. एक बार उदयपुर स्ट्रांग हो जाएगा, उदयपुर को तैयार करके ये कहेंगे चलो जयपुर वालों को सिखाओ, चलो इनको सिखाओ, इसको फैलाना चाहती हैं. उसके लिए आपका पूरा सहयोग मांग रही हूँ. And the last thing is also just that we, you know, the next development in this will be to bring college students from America, from New York, and then hopefully also from Udaipur back. So we start to exchange not just here, but also here to the US and back. So it goes longer. इन्होंने पहले 2012 में भी चाहा था बहुत कि यहाँ की बच्चों को लेकर वहाँ ले जाया जाए, पर शुरुआत होती है तकलीफें आती हैं, नया जूता जगह जगह काटता है, पर अब ये चाह रही है कि थोड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है फुटिंग. तो आने वाले वर्षों में ये चाहेंगे कि वहाँ के बच्चे यहाँ आए और यहाँ के बच्चे वहाँ जाएँ. और इसमें हमारी रीटा वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि इन्होंने जापान में भी ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम करवाए थे जिसमें कि वहाँ के यहाँ ग्रुप आया और हम स्वयं भी वहाँ इनके नेतृत्व में जा चुके हैं. सो I would like to introduce, I don't need to introduce Rajmana Reddy, but Rajmana Reddy, this time we are doing one set of workshops, which is self-defense for women. And we are going to teach the style of Kung Fu for the self-defense classes. And it's going to be done by a Vannevar Caravan dancer choreographer who is a black belt in Kung Fu. And it's going to be just those classes, because actually, Raji, you have already done women's self-defense class. So it was very perfect. This partnership is a very good partnership for us, for BMCT, for VC. It's a very, very good partnership. We're very happy. In 2012, we had Gustavo Caldas, also from Vannevar Caravan, who doesn't just do Afro-Brazilian dances, but is a capoeira master. So he taught St. Paul's children capoeira. Yes, and this time we are going to have women who will be learning dance from Joel Hanna, who's coming perhaps on the 9th or the 10th. He will be here. And so I will give this to Rajmana Reddy to elaborate. You have heard of what their experience was. Yeah. So now it's your turn. धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का और मेरे पेरेंट्स का और उसके बाद पूरी दुनिया का कि उन्होंने मुझे वो मौके दिए जहाँ पर मैंने जमीन से पैर उठाया और हाइट्स लिए, उड़ाने भरी और पूरा जहाँ हमारे सामने है. और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मार्शल आर्ट्स के लिए जिन्होंने मुझे पूरा पूरा चेंज किया और मेरा लाइफ को नया आयाम दिया. और इस समय में मेरा नाम सबको मालूम है, सेंसर राजकुमार मनाया में. और पिछले 30 साल से मैं मार्शल आर्ट्स में स्पेशली सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं. और इस पूरे 30 साल के अंदर जो अनुभव बहुत डायरेक्शंस में चेंज हुआ. फाइटिंग से शुरू किया मेरा जीवन. और मैं छोटा था तो बच्चे मुझे बहुत मारते थे क्लास में, तीसरी चौथी पांचवी में मारते थे. मैं इंटेलिजेंट बच्चा था तो वो सब होमवर्क करवाते थे मेरे से. वो लोग खेलते थे और मुझे मारते थे, मैं उनका होमवर्क करता था. और जब होमवर्क नहीं करता था वो नीचे फुटबॉल खेल रहे थे, मैं उनको होमवर्क कर रहा होता था. रेसेस में बैठा नीचे से देखते, मैं कोई गोल हो जाता तो मैं बाहर आकर देखता तो वो लोग आकर के मेरे को मार के जाते. एक जने को भेजते लगा के उसके और वो मुझे मार के जाते. मैं वापस रोता रहता उनको होमवर्क करता था. मेरी बिगनिंग थी और मैं अंदर अंदर सोचता रहता मैं बड़ा होकर उनको मार देता, जान से मार देता और खेलता.
in the it was inside and for 5 years I have done sab bullish boys ko main jhelta raha wo mujhe marte rahe roz marte the main sadak pe ja raha hu basta tang ke piche se to carbon la kar ke mera muh kala kar dete the piche se unhe rota hua ghar jata tha ye story thi aur ek din since I Bruce Lee ka movie dekha video ke upar jo India mein shuru hua wo movie dekha to mujhe laga ki mujhe yahi karna hai so this is the thing ye mera starting hai and then कोई नहीं था राजस्थान में कराटे सिखाने वाला तो वहाँ क्या क्या मेरे साथ गुजरा होगा पिक्चर देखकर आना और मेरे कुछ करना प्रैक्टिस करना तो नॉन चप्पू बनाया बांस का तो फांसे घुस गई यहाँ पर उसका बांस का तो बहुत महीनों तक दर्द हुए रेती में हाथ डाल दिए गर्म करके हमें पता ही नहीं था कि कितनी गर्म होती है रोटी तो जल गए हाथ बहुत महीनों तक छुपाए घूमे ये स्टोरी चला जब आज हमारे पास में उस सारा अनुभव आने के बाद में पूरी दुनिया में अमेरिका भी गया बहुत सारा लर्निंग्स हुआ वुमेन सेल्फ डिफेंस पे वर्कआउट किया तो आज जो अनुभव है वो यहाँ जाता है कि दुनिया में आत्मरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेम और शांति के बिना संभव नहीं है नॉट पॉसिबल और द बेस्ट टेक्निक इज लव द बेस्ट टेक्निक ऑफ मार्शल आर्ट The martial art is respect. If you respect somebody, दूसरों का अगर हम सम्मान करते हैं तो he will never be your enemy. वो आपका दुश्मन नहीं हो सकेगा उसके मन में कोई दुश्मन की भावना नहीं आएगी और जब नहीं आती है तो दोस्त बन जाते हैं तो अगर मैं दूसरों का रिस्पेक्ट करता हूँ जो बहुत आसान है और इसके अलावा कि प्रैक्टिस करना पंच किक्स मारना और उसको घिरा देना बहुत मुश्किल काम है सालों लग जाते हैं हमको एक लड़के से जीतने में लेकिन प्रेम से दूसरे को सम्मान करना एक क्षण में सीखा जा सकता है और उससे उस व्यक्ति को जीता जा सकता है उसे अपना दोस्त बनाया जा सकता है तो मेरा कोई दुश्मन ही नहीं होगा तो कोई मुझ पर वार ही नहीं करेगा जब कोई वार ही नहीं करेगा तो मुझे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब नहीं पड़ेगी तो मेरे आत्मरक्षा एपियर हो जाती है ये जो कुछ इतना मैं उस संघर्ष में से निकल कर जो अमृत है वो शेयर करना चाहते हैं हम लोगों के साथ में लोग जानते हैं कि कराटे मारधाड़ की कला है पर कराटे मारधाड़ की 1% है 1% वो दैट इज परफॉर्मेंस बट 99% इज द वे ऑफ लाइफ इज द वे ऑफ थिंकिंग दिमाग का सोच की बात है सो हमारा मानना है कि अगर हम लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर करें जो उनका खुद का अनुभव है मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आपके जीवन में कितनी लड़ाई हुई तो आप सोचोगे कि याद नहीं आएगा पर आप लोग क्यों नहीं हुई क्योंकि आप लोगों का दोस्ती है दूसरे के साथ आपका कोई दोस्त है आपका परिवार आपका सभी लोग उसी वजह से आप बचे रहते हैं तो द बेस्ट आइडिया ऑफ सेल्फ डिफेंस इज टू लव पीपल रिस्पेक्ट पीपल एंड बी स्ट्रॉन्ग फिर हम ये कहते हैं कि अगर अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ हमें हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए हमें बचने की जरूरत पड़े तो हमें क्या करना होगा दैट इज 1% जिसको हमें सिखाना है और लेकिन वहां पर भी हम लोग हिंसा नहीं सिखाते कि आप चाकू रख लो नाइफ रख दो मार दो वी डोंट टीच दैट हम लोग सिखाते हैं कि आपको खाली आप कराते मीन्स खाली हाथ फिट नहीं है बट उसका अगर आत्मरक्षा की उसको जरूरत पड़ जाए तो वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जहां पर आप ताकतवर व्यक्ति को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम वो सिखाने वाले शेयर करने वाले और उनको उस कॉन्फिडेंस में लाने वाले कि जहां पर उनका आत्मविश्वास इतना होगा कि वो डरेगी क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वो डर जाते हैं फियर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम सो फियरलेसनेस सो हम लोग वो फियरलेस उनको बनाना चाहते हैं तो कई सारी टेक्निक्स हैं जो हमें उन्हें सिखाएंगे प्रैक्टिकली हम उनको उस थॉट प्रोसेस के ऊपर लाएंगे और लोगों के बीच में उस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश करेंगे इसीलिए हम लोग बीएम सिटी के साथ हैं बैनर कैरन के साथ हैं बिकॉज ऑफ
they are working, वो भी पीस के लिए वर्क कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, प्रेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, और मार्शल आर्ट इज टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. सो मार्शल आर्ट भी इस पूरे अभियान का, इस पूरे चीज का एक पार्ट बन गया है. और मैं, मुझे खुशी है कि मैंने कैबिन ग्रुप के साथ और बी एम सिटी के साथ रीता जी ने जो मुझे मौका दिया है वो एक पूरा नया क्रांति लाने वाले, बिग रिवोल्यूशन. बिकॉज अब राइट यही चीज छूट रहा था लोगों के साथ में, कि लोग सोचते थे कि क्या हमें लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें हथियार चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें मारपीट सीखने की जरूरत पड़ेगी हमें बचने के लिए, सोसाइटी में शांति से रहने के लिए. हम कहते हैं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. और कई तरीके हैं, कई तकनीक्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. ये कल्चरल एक्सचेंज ये एक इम्पॉर्टेंट है. जॉयल हन्ना जो ब्लैक बेल्ट है कुंग फू के और स्टेप डांस के मास्टर हैं, वर्ल्ड फैन पर्सन हैं, वो आ रहे हैं. उनके साथ सेंसे राज एकेडमी, बीएम सिटी, वैनर कैरवेन, हम सब लोगों ने एक कॉलेब्रेशन किया है कि हम उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और हम अपने लेवल पे पूरा उसको स्प्रेड अप करेंगे. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रोग्राम के लिए. और फिर हम लोग परफॉर्म करेंगे. I would like to introduce two more people in this conversation today. Pamela Dixit-Nan, who actually, she is the director of BMCT and she is stationed in America also. And actually it was because of her I got to know about the Taliban, because she saw their performance and said that this is a brilliant group that in one performance is like a festival of dances from around the world. And there were wonderful virtuoso dancers and the music and everything was so wonderful. And I will let you take it on, Pramila. I saw the Vannevar Caravan at the Mohonk Mountain Lodge. अगर आप, हम जहाँ वो जगह का नाम है हडसन वैली हाई पॉइंट, उदयपुर की तरह ही देखने में पहाड़े हैं, वैलीज हैं, और ये जहाँ जगह है वो पहाड़ के ऊपर है. तो वहाँ इनको मैंने देखा डांस करते हुए और मैंने सोचा इनको तो उदयपुर जाना ही होगा. सिर्फ उनके डांसिंग और वर्चुअसिटी के लिए नहीं, मगर उनकी एटीट्यूड और वो उनकी बिलीफ सिस्टम, ये हर एक प्रोग्राम अंत में एक पीस डांस करते हैं, प्रोग्राम पीस डांस. और सारे इनके डांसेस में अफ्रीका के डांसेस हैं, लैटिन अमेरिका के डांसेस हैं, पूरे यूरेशिया के डांसेस हैं, इंडिया के भी डांसेस हैं. पूरा दुनिया यहाँ रिप्रेजेंटेड, तो ये मुझे अच्छा लगा. और BMCT, बिग मेडिसिन चैरिटेबल ट्रस्ट, हम तीन जना, हमारी जो फ्रेमिंग है वो सोच लो आप ह्यूमन राइट्स फ्रेमिंग है, कि दुनिया में हमने तो सारे ह्यूमन राइट्स के लॉ तो हमने लिख लिया, किताबें भरे भरे ह्यूमन राइट्स के लॉ हैं, दुनिया भर के गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट्स साइन भी कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें को एवोल्यूशन, इन्होंने कहा हम रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, हम उसका नाम बोलते हैं को एवोल्यूशन. मिलकर हमने अपना, हम इस तरफ देख रहे हैं मिलकर सरा, हम सर इस तरफ से देखें. तो अगर ह्यूमन राइट्स की फ्रेमिंग से दुनिया देखें तो ह्यूमन बींग्स करते क्या हैं. अमेरिका में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो बोलता है कि हमारी जन्म से सबका हक है लाइफ, लिबर्टी एंड द प्रस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. तो हमें इस तरह का दुनिया बनाना चाहिए जहाँ हर एक को पूरा जीवन मिले, पूरी आज़ादी मिले. किस लिए? ताकि वो खुश से अपना जीवन कटा सके. और अगर आप बच्चों से बड़ों को देखो, फोक कल्चर में सब लोग डांस करते हैं, किसी को स्टार बनने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को
स्टेज पे चलने की को फोक डांस में बुढ़ियाँ डांस करती हैं, बूढ़े डांस करते हैं, बच्चे डांस करते हैं, सब डांस करते हैं सेलिब्रेशन के लिए. तो ये की है. तो एक मुझे गाना याद आ रहा है पुराना हिंदी का, जमी चल रही आसमान चल रहा है, ये किसके इशारे कहाँ चल रहा है, हमारे इशारे चल रहा है, हमने पूरा धरती ऑक्यूपाई कर लिया है, आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक कर इंसान का छाप, ना तो यहाँ चिड़िया जी सकती है बिना हमारे काम के, ना डड्डू, ना पेड़, ना जंगल. हमने बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे रखी है दुनिया भर को अपने हाथ में लेकर. ये जमीन चल रही है, ये आसमान को भी हम बदल रहे हैं. क्लाइमेट चेंज सच की बात है, तो ये हमारे इशारे चल रहे हैं, तो हम इस पे क्या इशारा करें. तो हम जो इशारा बोल रहे हैं, करो, दुनिया भर को एक साथ मिलाओ, दुनिया समझ लो कि दुनिया भर में लोग रहते हैं, आम आदमी दुनिया भर में हैं, इनके साथ जुड़कर एक प्यार की दुनिया हम बना सकते हैं और बनाना ज़रूर है, क्योंकि आगे जाकर अगर हम लड़ाई झगड़ा का दुनिया बनाएंगे तो हमारी कोई चांस ही नहीं. Lastly, I would like to introduce David Kubia, my husband, my partner, and the project, the Shakti Academy project that Big Medicine Charitable Trust is doing, is a project that he conceptualized. So I would definitely like him to say a few words. Okay, so there'll be very few words because everybody's covered. Romila, it can be translated. Okay. This is really very few words. Everybody, I mean, part of the vision coming here from Udaipur is because of the beauty of the city from the past and the heritage, the legacy.